अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आदम अलैहिस्सलाम और मनु एक ही शख्स हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सातवें मनु और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात क्यों इतने मिलते जुलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू मजहब के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले जन्म लेने वाले इंसान का नाम मनु है, और इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। मनु ऐसे शख्स को कहते हैं जिसको सबसे पहले बनाया गया हो, और इसी से मनुष्य और मानव जात निकला है। और लफ्ज आदम का मतलब भी सबसे पहले पैदा होने वाला इंसान है, जिससे आदमी और आदमजात निकला। हिंदू मजहब के मुताबिक मनु सबसे पहले हिंदुस्तान में आए थे, और मुसलमान भी मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में ही आए थे। मनु का पूरा नाम स्वयंभू मनु बताया जाता है, जिसका मतलब है खुद से पैदा होने वाला इंसान, यानी ऐसा इंसान जो बिना माँ बाप के खुद ही पैदा हो गया हो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम में यही अकीदा है कि उनको अल्लाह ताला ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। इसी तरह अगर देखा जाए तो मनु की बीवी शत्रुपा, जिसका दूसरा नाम तनु है, जिसके माना है जिंदगी गुजारना, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी जिनका नाम हजरत हव्वा है, उसका माना भी है जिंदगी गुजारना। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद में ये बात समझ में आती है कि मनु और आदम एक ही शख्स के दो अलग अलग नाम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों नाम अलग अलग मजहबों के मानने वाले अलग अलग जबानों में बोलते हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक 14 मनु हैं, जिनमें से हर मनु का एक अलग अलग जमाना है, और हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो सातवें मनु का जमाना है, यानी पहले मनु की सातवीं नस्ल में जो मनु गुजरे हैं, जिनका नाम बताया जाता है, तमाम लोग उनकी ही औलाद हैं। और इस्लाम के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में सातवें नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, और तमाम लोग उनकी ही औलाद हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक सातवें मनु वैवास्वता के जमाने में एक मछली ने उनके पास में आकर इस बात से आगाह किया था कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान क्योंकि बारिश और सुनामी की शक्ल में था, इसलिए मछली ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो एक कश्ती बनाए और अपने साथ कश्ती में सात अलग अलग खानदानों को और हर जानवर के एक जोड़े को रख लें। जब वैवास्वता ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके अंदर सारे इंसान और जानवर मारे गए। सिर्फ वो इंसान और जानवर बच गए जो वैवास्वता के साथ कश्ती के अंदर सवार थे। तूफान के थमने के बाद वैवास्वता की कश्ती हिमावन की पहाड़ियों पर जाकर रुक गई, और वहीं से वैवास्वता की नस्ल ने दुनिया में फैलना शुरू किया। इसीलिए तमाम लोगों को उनकी नस्ल कहा जाता है, और यह जमाना उन्हीं का जमाना कहा जाता है। इसी तरह इस्लाम मजहब के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी एक बहुत बड़ा तूफान आया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस बात की तला दी थी कि वो एक कश्ती बनाए और कश्ती में अपने साथ ईमान वालों को और उनके साथ हर जानवर के एक एक जोड़े को भी रख लें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके अंदर दुनिया के सारे इंसान और जानवर मारे गए। सिर्फ वो इंसान और जानवर बच गए जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। तूफान के थमने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल दोबारा दुनिया में फैलने लगी, इसीलिए तमाम इंसानों को उनकी औलाद कहा जाता है। इन तमाम वाकयात को सुनने के बाद में ये बात समझ में आती है कि वैवास्वता और हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ही शख्स के दो अलग अलग नाम हैं। जब ये बात साबित हो गई कि पहले मनु हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सातवें मनु हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, तो ये बात भी साबित हो जाती है कि ये दोनों जिस ओम की पूजा करते थे, वो ओम कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात ही नहीं, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात भी हमको हिंदू मजहब की किताबों में मिलते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन वाकयात को तफसील से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।